प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हमें जब भी महापुरुषों के वचनों को सुनने का मौका मिलता है और उन्हें समझने का मौका मिलता है और फिर उनके वचन जब हम अपनी ज़िंदगी में ढालते हैं तो हम देखते हैं कि ज़िंदगी हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं उन्होंने हमें सच्चाई क्या है, असलियत क्या है वो दर्शाया है। चाहे वो एक देश में आए हों, एक धर्म में आए हों, एक समय पर आए हों, हर एक महापुरुष हमें सच्चाई की ओर बढ़ाता चला गया ताकि सच क्या उसे हम जान सकें, जिंदगी क्या है उसकी गहराई तक पहुंच सकें और जिंदगी ऐसे जिए ताकि जो जिंदगी का मकसद है वो हम सबका पूरा हो। इंसान क्योंकि मन इंद्रियों के घाट पर जीता है तो सिर्फ वही जो उसे इंद्रियों के जरिए अनुभव होता है उसे ही असली समझ बैठता है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जबान से चखना और फिर शरीर में इतने सेंसर्स हैं, स्पर्श की इंद्री, इनके घाट पर जीते हुए जो कुछ इनके जरिए हम अनुभव करते हैं सोचते हैं वही सच्चाई है और उस अनुभव के साथ साथ अपने आप को सिर्फ इसी दुनिया में हम बेहतर करने की कोशिश करते हैं। महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं बार 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 हमें समझाते चले हैं कि ये दुनिया असली नहीं, माया की दुनिया है, लेकिन हम हैं कि उस पर यकीन नहीं कर पाते। किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ें, किसी भी महापुरुष की वाणी को समझने की कोशिश करें तो बार 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 हमें ये समझाया जाता है कि हम अपने सच्चे धाम से बहुत दूर हैं, हमें वहां लौटना है, वापस जाना है, लेकिन हम हैं कि उस और ध्यान देते नहीं क्योंकि यही सोचते समझते हैं कि जो इन इंद्रियों के जरिए हमें अनुभव हो रहा उसके आगे और क्या हो सकता है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में कहा, अपने शेरों के जरिए उन्होंने दर्शाया है कि हम किस किस्म की जिंदगी जी रहे हैं और फिर किस किस्म की जिंदगी हमें जीनी चाहिए। अगर इंसान को ये समझ में ना आए कि वो जी कैसे रहा है तो वो फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ ही नहीं सकता। अगर सुबह उठकर सारा दिन हम जो करते हैं सोते हैं यही सब कुछ ठीक है तो कोई नई चीज की ओर ध्यान देते नहीं, वही चीजें करी जाते। तो महापुरुष समझाते हैं कि जिस चक्कर में, जिस फरेब में हम पड़े हैं इससे हम बाहर निकलें। माया की दुनिया, यहां धोखा ही धोखा है, असलियत यहां बाहर हमें मिलेगी नहीं, असलियत बाहर नहीं अंदर की दुनिया में है। वो दुनिया जो इन आंखों से देखी नहीं जाती, कानों से सुनी नहीं जाती तो हम सोचते हैं कि वो है कि नहीं है, उसका अनुभव भजन अभ्यास करके हमें हो सकता है, लेकिन उसके लिए समय निकालना जरूरी है। अब जब आप स्कूल में जाते हो तो कई घंटे पढ़ना पड़ता है, चाहे आप लिटरेचर पढ़ो, चाहे ज्योग्राफी पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, सोशल स्टडीज पढ़ो, साइंसेस पढ़ो, आपको काफ़ी घंटे पढ़ना पड़ता है तभी जाके कुछ समझ आती है। पहले स्कूल में लेक्चर सुनते हो, पढ़ते हो, घर में आके फिर सीखते हो, कोई ट्यूशन लगाता है उस चीज़ को समझने की, काफ़ी अटेंशन उस पर देते तभी जाके कुछ समझ आता है। तो आध्यात्मिक रास्ता
जो तो ना आंखों से दिखता है ना कान सुनता है, ये अगर हम सोचेंगे चुटकी में हमारे को मिल जाएगा तो ना मुमकिन है। तो इस रास्ते को जानने के लिए, पहचानने के लिए सबसे पहले तो ये सोचना है कि हम हैं कहाँ पर, खड़े किस लेवल पर हैं और जाना किस और है हमें। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ असलियत के बारे में हमें समझाया है। और ये शेर उनका हमें दर्शाता है कि किस किस्म की चीजें हम लेने की, पाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पाने के साथ क्या हमें मिलेगा। तो फरमा रहे हैं कि दौलत मिली जहां की, नामो निशा मिले। दौलत मिली जहां की, नामो निशा मिले। सब कुछ मिला हमें ना, मगर मेहरबान मिले। समझा रहे कि इस दुनिया की ओर जब हम ध्यान देते हैं तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं। हर एक इंसान सोचता है कि उसे दौलत चाहिए, पैसे चाहिए। धन दौलत नहीं होगी जिएगा कैसे। अगर मकान में रहना है किराए के लिए पैसे चाहिए, अपना मकान खरीदना है पैसे चाहिए, कार चाहिए पैसे चाहिए, खाना खाना है पैसे चाहिए। हम सोचते हैं कि दौलत, पैसों के बगैर हमारा गुजारा नहीं। तो कह रहे हैं कि दौलत मिली जहां की, बहुत दौलत मिल गई, हर एक किस्म की दौलत मिल गई। नामो निशा मिले, दूसरी चीज इंसान क्या चाहता है इस दुनिया में, चाहते मेरा नाम हो, शोहरत हो, क्योंकि ये बड़ा अच्छा आदमी है, ये बहुत दान देता है, ये बड़े अच्छे काम करता है, इसने बहुत पढ़ा लिखा, देखो आज कैसी लेवल पे पहुंच गया कि लोग कहें कि हमने कुछ अचीव करा इस दुनिया में। तो हम सब चाहते हैं हमारा नाम हो, शोहरत हो, लोगों को पता लगे कि हमारे पास कुछ है। और ये एरियाज, धन दौलत कमाने का, अपना नाम शोहरत कमाने का, ये दो एरियाज हैं जहां पर इंसान अपनी अटेंशन डालता है, पढ़ता लिखता भी है ताकि कोई नौकरी लगे, बिजनेस करे, धन दौलत कमाए, कार्य ऐसे करने की कोशिश करता है। और अगर नहीं भी होगा तो दिखाता ऐसे है जैसे कि बहुत अच्छा है, ताकि लोग कहें कि हाँ ये इंसान बहुत अच्छा है। तो फरमा रहे हैं कि दौलत मिली जहां की, इस जहां की सारी दौलत मिल गई और नाम शोहरत भी मिल गया, सब कुछ मिला हमें। कह रहे हैं जो कुछ भी दुनिया में हम चाहते हैं मिल गया ना, मगर मेहरबान मिले। कि जिसने मेहर करनी है पिता परमेश्वर, उस और तो हम गए नहीं, क्योंकि धन दौलत मिलकर तो उनको खरीद नहीं सकते। ये नहीं है कि बहुत धन दौलत होगी तो उनको खरीद, ये नहीं है कि बड़ा नाम शोहरत करेंगे तो वो बड़े इंप्रेस हो जाएंगे, उन्हें तो असलियत मालूम है कि हम हैं क्या। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर जिसकी मेहरबानी चाहिए, किस किस्म की मेहरबानी की बात कर रहे हैं, आत्मिक तरक्की की। अगर बाहर में शरीर को आराम देने के लिए धन दौलत ले ली, मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए नाम शोहरत ले ली, तो मन को हमने ठीक करने की कोशिश करी, शरीर को ठीक रखने की कोशिश करी, लेकिन आत्मा जो इन दोनों को जान दे रही, अगर उस आत्मा को जो सोर्स है उस पर कोई मेहरबानी ना हुई, उसको कुछ नहीं मिला जो उसे चाहिए, तो फिर किसी भी काम के हम रहे नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो समय है जिसमें कि आत्मा इस शरीर में आई है, ये थोड़ा सा समय है, ये लंबा समय नहीं। और इस समय में अगर हमने सिर्फ वही कुछ करा जो कि हमें लगता है कि इस दुनिया में हमें चाहिए, तो फिर जिस कार्य से हम सब यहां आए हैं वो कभी पूरा नहीं होगा। ऊंच नीच
इस जिंदगी में होती चली आती है। हिस्ट्री में देखें तो कई वाक्य आते हैं, कोई इंसान है बहुत धनी है फिर वो गरीब हो जाता है, कुछ का बिजनेस खराब हो गया, कुछ उसको फिजिकली प्रॉब्लम हो गई, कुछ और तकलीफ आ गई, कोई अच्छे समय कोई बुरे समय ये हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं। और ऊंच नीच में से हम गुजरते हैं, अगर ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में लगा रहा तो फिर जिस और लगन होनी चाहिए, जहां से सब कुछ मिलना है वो हमें मिलेगा नहीं। तो बार 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 महापुरुष समझाते हैं, जैसे दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हम ध्यान सिर्फ इस दुनिया की और ही ना करें, ये जाने कि अगर धन दौलत कमाएंगे भी तो उसके साथ करेंगे क्या, दुनिया की चीजें खरीदेंगे, ज्यादा पैसे होंगे कहीं दान देंगे और ऐसी चीजों में लगेंगे जिससे और दुनिया के अंदर हम धंसते चले जाएंगे। महापुरुष हमें समझाते हैं, एक वाक्य सुनाते थे कि एक साधु दरिया के किनारे था और उसे इस पार से उस पार जाना था, तो उसने जो बोटमैन था नाव चला उसको कहा मुझे उस पार ले जाओ, तो उसने कहा कि इतने पैसे लगेंगे, तो साधु के पास कोई पैसे नहीं थे तो डिस्कशन कर रहे हैं, वो कह रहे नहीं मुझे उस पार जाना, वो कह रहे नहीं आपके पास पैसे नहीं मैं लेके नहीं जा सकता। इतनी देर में एक साहूकार आया, साहूकार ने जब सुना तो उसने नाव वाले से कहा कि मैं इनके पैसे दूंगा और मैंने भी तो जाना है, दोनों को तू वहां ले चल। तो दोनों बोट में बैठ गए, बीच में बैठे हुए थे तो साहूकार ने कहा देखा आपके आपके पास पैसे नहीं थे, पैसे मेरे पास थे, इस करके हमें दरिया पार कर रहे हैं। तो साधु ने बड़े प्रेम से साहूकार से कहा कि तुमने अपने पैसों को त्याग दिया इस करके तुम पार जा रहे हो। हम लोग सोचते हैं कि धन दौलत को हम पकड़ के रखेंगे तो शायद हम पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाएंगे। और महापुरुष क्या समझाते हैं, बार 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 ये समझाते हैं कि जब तक हम दुनिया की चीजों को त्यागेंगे नहीं तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह कुछ ऐसे ही फरमाया हुआ है, वो फरमाते हैं कि एक लम्हा है बहार मिला वो भी खुशदा। इस दुनिया को जिसको हम बहुत लंबी चौड़ी समझते हैं, इसको महापुरुष बताते हैं कि छोटी सी जिंदगी है, क्योंकि अगर हम देखें कि हमारी आत्मा को पिता परमेश्वर से बिछड़े कितने साल हो गए हैं तो ये एक छोटा सा स्पेक है उस स्पेक्ट्रम पे। तो फरमा रहे हैं कि एक लम्हा ये बहार मिला, कि बहार का एक लम्हा में मिला है लेकिन वो भी खुशदा, वो भी ना खून से भरा हुआ है, क्योंकि ऊंच नीच जिंदगी में आती है। और आगे फरमा रहे हैं ये हादसा चमन में हुआ हर कली के साथ, कि अगर हम अपने जिंदगी को देखने की कोशिश करें तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिया है, जो कली है वो खिलती है फूल बनती है, वही उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि कली से फूल बनती है, उसका यौवन बढ़ता है, वो खूबसूरत होती है। लेकिन होता क्या है कि जैसे फूल बनती है तो उसकी पंखड़ियां निकलती हैं, एक एक करके दूर होती हैं, कोई इस पंखड़ी को तोड़ता है, कोई इसको तोड़ता है, नहीं तो माली आता है फूल को ही तोड़ के ले जाता है। तो उसका कली से फूल बनना उसके लिए इंडिकेशन है कि अब उसकी मौत हो जाएगी, उसका खात्मा होगा। यही चीज हमारी ईगो के साथ होती है, जैसे ही हम उस तरफ बढ़ते हैं जहां पर हमें लगना शुरू हो जाता है कि हमारे कारण कुछ हो रहा है, तो हम देखते हैं कि उस समय हमारा डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है,
क्योंकि इंसान यही सोचता है कि उसके करके कुछ हो रहा है, वो सोचता है कि मैंने बहुत कुछ किया, मैंने दौलत कमाई, मैंने बहुत कुछ किया, मेरा नाम शहरत हुई, मैंने बहुत कुछ किया, मेरे को ये मिल गया वो मिल गया। लेकिन जैसे ही हमें ईगो बढ़ती है तभी हम प्रभु से दूर होना शुरू हो जाते हैं। त्यागना, चीजों को त्यागना, अपनी इच्छाओं को त्यागना, यही रास्ता महापुरुष हमें समझाते चले गए हैं। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह और फरमाया, वो फरमाते हैं कि औरों के वास्ते मैं वो मीना वो रख से जाम। जो दुनिया के लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनको दुनिया की शराब चाहिए, दुनिया में उनको लगता है ये चीजें हों तो उनके लिए अच्छा होगा। तो कह रहे हैं कि औरों के वास्ते मैं वो मीना वो रक्स ओ जाम, अपने लिए तो खूने तमन्ना शराब है। वो समझा रहे हैं कि एक सच्चे इंसान की जिंदगी क्या हो, कि उसकी तमन्नाओं का खून, कि बी डिजायरलेस, महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि जब तक इच्छाएं ये तमन्नाएं हमारे डिजायर्स खत्म नहीं होंगी तब तक हम असलियत को पा नहीं सकेंगे। क्योंकि डिजायर तो हमें दुनिया की, कभी कहते हैं ये चीज मिल जाए, कभी कहते हैं वो चीज मिल जाए, कभी वो चीज मिल जाए। तो कहते हैं कि इनकी अपने लिए तो खूने तमन्ना शराब है, कि यही है जो मुझे मस्ती देती है। कि जैसे जैसे हमारी इच्छाएं काबू में आएंगी वैसे वैसे ही प्रभु के शब्द के साथ हम जुड़ना शुरू होंगे, तभी ध्यान असलियत की ओर जाएगा। तो बार 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 महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि हमने उस असलियत को पाना है जो हम सबको मिल सकती है अगर हम पर मेहरबानी हो जाए। अगर कोई मेहरबान मिले पिता परमेश्वर या कोई पूर्ण महापुरुष, उनकी नजर करम हो, उनकी दया दृष्टि हम पर पड़े, तो फिर जो आत्मिक तरक्की है वो होनी शुरू हो जाए, तभी सही मायनों में मेहरबानी होगी। नहीं तो अगर सब चीजें दुनिया की और ही होती रही तो फिर कुछ भी पाए बगैर हम इस धरती से चल बसेंगे और 84 लाख जिया जून में हम अटके रहेंगे। जब भी महापुरुषों की जिंदगी की ओर देखते हैं, जब हम संदर्शन सिंह जी महाराज की ओर देखते हैं, तो वो एक आइडियल ब्लूप्रिंट है हमें अपनी जिंदगी बनाने का। तो हम लोग तो बहुत खुश नसीब हैं कि हमें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज का आस्था मिला। हमें किसी और आस्था की जरूरत नहीं, क्योंकि इन महापुरुषों ने नाम की देन दी है, ये सब हमारे भीतर बैठे हुए हैं, हमें हर समय गाइड कर रहे हैं। अगर हम उन्हें नहीं देख पा रहे तो कमजोरी उनमें नहीं, हम में है। जब वो हमारे अंग संग है तो हमें किस चीज की फिक्र है, जब पिता परमेश्वर हमारे अंग संग बैठे हुए हैं तो हमें किस चीज की फिक्र है, उनमें भरोसा चाहिए। और जिन भाई बहनों को यकीन पूरा होता है, जिनको अनुभव होता है अपने पिता परमेश्वर का अपने अंदर, वो अपनी इस जिंदगी को बड़े शांति से जीते हैं, आराम से जीते हैं। और ऐसी जिंदगी हम सबको जीनी चाहिए।